हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ ईडन गार्डन पार्क। क्यों आया हूँ बताऊंगा सब कुछ आपको इस ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू जर्नी मेरे साथ ट्रैवल विद विशु। आज के जर्नी में हम बात करेंगे बाबू घाट और ईडन गार्डन रेलवे स्टेशन के ईडन गार्डन पार्क के बारे में। 1841 में उस समय के रहे बंगाल के गवर्नर जनरल सर ऑकलैंड के द्वारा बनवाया गया। वही सर ऑकलैंड जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन का निर्माण करवाया है। सर ऑकलैंड ने इस गार्डन का नामकरण अपनी दो प्यारी बहनें एमिली और फिनी ईडन के नाम पर किया। ये कोलकाता के ओल्डेस्ट पार्क में से एक है। शुरू में इस पार्क में आना बिल्कुल ही फ्री था, बट अब कुछ सालों से एंट्री फीस 20 रुपए हो गया है। फिर से थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए नजर पड़ता है एक बोट पे। उस बोट पे इस खूबसूरत से पार्क में कितने पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या और नाम लिखा हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि इस छोटे से खूबसूरत पार्क में टोटल 76 डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे को लगाया गया है। इस छोटे से खूबसूरत पार्क को देखते देखते नजर पड़ती है एक छोटी सी सीढ़ी। सीढ़ी से चढ़ते ही सिर्फ देखने को मिलता है छोटा सा बहुत ही अब बताता हूँ जिसके लिए इस पार्क का सबसे खूबसूरत हिस्सा बुद्धिस्ट पगोडा लाया गया है टोम से, जो आज म्यांमार का एक छोटा सा शहर है। लॉर्ड डलहौसी इसे लेके आते हैं सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर के बाद। असाधारण से दिखने वाला ये बुद्धिस्ट पगोडा संपूर्ण लकड़ी से तैयार किया गया है। अंदर में कुछ विशेष नहीं है, बस नहीं हो सकता एक सेल्फी पॉइंट है। छोटा सा पार्क जो बच्चों के लिए। कैसा रहा आज का ये ब्लॉग आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। आज का चलिए एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी तक नए जुड़े हुए इस जर्नी में तो नीचे सब्सक्राइब के बटन क्लिक करके बन जाइए इस जर्नी के हिस्सा मेरे साथ ट्रैवलिंग विद विशु। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जगह नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं जो शायद आपसे चाहता हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।